सुबह 7:30 बजे से बारिश हो रही है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। हम लोग उठ तो गए थे, वैसे तो 10 बजे के आसपास ही उठ गए थे और तैयार व्यार होने वाले थे। 11:48, 11:50, 11:50 हो गई, 12 बज गई। दर्श छोड़ सुन, मैं तो 7:30 ये तो साढ़े सात इसने बताया मेरे को 7:30 बजे से बारिश हो रही। मैं तो उठाऊ अभी 11 बजे, है ना, क्योंकि यार क्या हुआ कि मैं कल रात को वीडियो एडिट कर रहा था बचा हुआ और डाटा वाटा ट्रांसफर कर रहा था। आप जानते हो कि जब शूट करना होता है तो काम भी बहुत सारा करना होता है, अब उन्हीं काम में सब में टाइम लग गया। वो सब काम करते 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 मैं रात को कल 2:30 बजे सोया हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई काम नहीं करा, ना वीडियो को एडिट करी थी ना कुछ डाटा ट्रांसफर, कुछ भी नहीं करा। सारे कार्ड्स फुल थे, सब कुछ थे, मैं कहीं कर लूँ पहले, तो 2:30 बजे तक वो सब करा, फिर उसके बाद मैं सोया हूँ। फिर अभी सुबह उठे अपन मॉर्निंग में और फिर देखा कि सुबह से हो रही है बारिश। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। और हमारा नाश्ता भी आ चुका है, चाय, केचप, चटनी और इसमें है पराठे, आलू और पनीर ना, पनीर के, आलू और पनीर के पराठे मंगाए, आलू पनीर के पराठे खाएंगे, गरम गरम चाय पियेंगे। अभी तो हम लोग तैयार नहीं, फ्रेश व्रेश हो गए, बस नहाए धोए नहीं है, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तैयार हुई कि नहीं हुई। हम लोग ब्रेकफास्ट 11 बजे कर रहे हैं, सोचो 11-12 बजने वाली है, 12 बजे वाली ब्रेकफास्ट करते क्या करें समझे। आज हमारा एक्चुअली प्लान था 3 जगह जाने का, क्योंकि हम नैनीताल तो जा नहीं सकते, आज संडे है, तो हमारा 3 जगह जाने का प्लान था। एक यहाँ पे कांची धाम था, एक कोई गोलूदेव टेम्पल, दो और एक नीचे भीमताल लेक, वो यहाँ से पास में, तो ये 3 जगह जाने का आज प्लान था। अब ये बारिश बंद होगी तो निकलेंगे और फिर आपको भी दिखाएंगे कहाँ जाते हैं। 1 बज रही है, अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आज शायद हम कहीं जा ना पाए। अगर 1-2 घंटे के लिए रुक गए तो हमको 1-2 लोकेशन कवर करनी हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर ये कह रहा है कि काम करेंगे अपन, पोंचो लेंगे, पोंचो पहनेंगे और रेन वाला उसको पहन के निकल लेंगे, और गोप्रो ले जाएंगे, गोप्रो से शूट कर आएंगे जो भी होगा। एज यू गाइज नो कि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ट्रैवलिंग में मेरे फेस की पूरी बैंड बच जाती है पॉल्यूशन, डर्ट, इन सब की वजह से, इसलिए मैं अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ ट्रैवलिंग के वक्त, और मैं यूज करता हूँ स्किन साइंस के प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। पहले मैं यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश फॉर इवन कॉम्प्लेक्शन एंड सपल स्किन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव डेड स्किन सेल्स। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे ब्रश दी गई है, बस आपको इसको प्रेस करना है और ये फोम बाहर आ गया। अब इस फोम को आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है और 30-60 सेकंड्स के लिए मसाज करना है। सबसे बेस्ट पार्ट इस फेस वॉश में प्रेजेंट है मलबरी एंड लिकोराइस, जो कि आपकी डल स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब फेस वॉश के बाद मैं यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस विटामिन सी क्ले फेस मास्क टू एनर्जाइज डल एंड पैची स्किन। मैं बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए इसके साथ में स्पैटुला आता है, आपको इससे अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसमें विटामिन सी प्रेजेंट है जिससे आपकी स्किन पे एक अलग ही चमक आती है। और एक और चीज गाइस, इस फेस मास्क को आप है ना अपने फेस के साथ साथ बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ फेस पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी बॉडी पे भी, नेक पे भी यूज कर सकते हो। इसको लगाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आपको इसको सूखने देना है। और गाइस एक और बात, वाओ के सभी प्रोडक्ट्स में QR कोड होता है जिसको आप स्कैन करके वाओ के सभी प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। फेस मास्क के बाद अब मैं यूज करूँ वाओ स्किन साइंस का 20% विटामिन सी फेस सीरम। आपको इसको यूं लेना है और जेंटली अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करना है। ये फेस सीरम आपकी स्किन रेडियंस को बूस्ट करता है। लास्ट में मैं यूज करूंगा वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस क्रीम। कंटेन्स एक्टिव विटामिन सी दैट हेल्प्स टू रिपेयर स्किन डैमेज कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सपोजर। आप इसको यूज कैसे करेंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप जब टॉप पे प्रेस करेंगे तो ये क्रीम अपने आप ये देखिए डिस्पेंस हो जाएगी, और इसको आप निकाल के डॉटेड में अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस क्रीम का है कि ये बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस फेस क्रीम की, ये फेस क्रीम बिल्कुल ऑयल फ्री है जिससे आपके फेस पे ऑयलीनेस बिल्कुल नहीं होती है। वाओ अपने किसी भी प्रोडक्ट में हार्श एडिटिव जैसे पैराबीन्स, सिलिकन, मिनरल ऑयल और आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब यूज नहीं करता है। और गाइस वाओ एक ऐसा ब्रांड है जो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता है, इसलिए वाओ में 80% वर्कर्स वुमेन है। और वाओ एक इंडियन ब्रांड है, तो जैसा कि मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करें। आप ये सभी प्रोडक्ट्स शॉप कर सकते हैं बाय वाओ ऐप से या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, जहां से मर्जी वहां से खरीदिए। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं ट्रेवल सिंह 20 तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जो कि वैलिड है सिर्फ बाय वाओ ऐप पे। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए अपने सभी प्रोडक्ट्स शॉप करिए। दोपहर के 3 बज गई है और हम लोग तैयार हो चुके हैं और बारिश भी बंद हो चुकी है, बारिश पूरी बंद हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है। 3 बज गई है लेकिन अब देख रहे हैं हमारे पास 6-7 बजे तक का टाइम है, 3 घंटे बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, कोशिश करते हैं
तीन घंटे का मैक्सिमम टाइम है हमारे पास, क्योंकि 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। 3 घंटे में जितना शूट करवाएंगे फटाफट शूट करेंगे, घूमेंगे, 3 जगह जानी है टोटल, 3 जगह एक एक करके फटाफट जाएंगे और घूम के आपको सारी जगह दिखाते हैं। तो फटाफट से निकलते चले, चलो चलो। आज बनेगा मोटो व्लॉग, वो देखो बादल, आज मोटो व्लॉग बनेगा और आज वादियों को इन्जॉय करना, मज़ा आने वाला है आज। कल क्या हुआ कि नैनीताल में बहुत ज़्यादा कल भीड़ हो गई एकदम से, इसलिए संडे को, अब से सैटरडे और संडे नैनीताल में टूरिस्ट की एंट्री बंद। यानी जो है उसमें वो घूम सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं नैनीताल वो नहीं घूम सकते सैटरडे और संडे को। और अगर आप बाहर से आ रहे हो कि आपका 4 दिन का स्टे आपका होटल बुकिंग है तो आपको जाने देंगे, वरना आपको गाड़ी नीचे एक वहाँ पार्किंग बना रखी है उन्होंने नैनीताल से पहले ही 4-5 किलोमीटर पहले, वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करो, वहाँ से आप टैक्सी लो, शटल लो और फिर जाओ, फिर घूमो, फिर आओ। तो ये कर दिया अब इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है नैनीताल में। कल हम लोग भी आ रहे थे ना, तो जाते वक्त हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन आते वक्त हमको कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा जाम मिला था, 1-1.5 घंटे लग गए थे। हमारी लोकेशन यहाँ से बसती है 7 किलोमीटर और आप अब व्यू के मज़े लो। शब्द नहीं है मेरे पास सच में बोलने के लिए, इतना प्यारा लग रहा है सब देखने में, इतना प्यारा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी। ओके ओके, वो गई 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 गई, बची 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 बची, आराम से। बहुत गंदा स्लोप है, क्योंकि ये बहुत गंदा स्लोप है। हमारी लोकेशन यहाँ से 1.7 किलोमीटर और बच रही है। अब ये सही करा इन्होंने कि सामने से गाड़ियाँ दे रहे हैं, फिर अपन निकलेंगे, क्योंकि अगर दोनों गाड़ियाँ गई तो वहाँ इतनी जगह नहीं, और जो गाड़ी हल्की सी गई तो नीचे खाई में, उससे बढ़िया है कि आराम आराम से जाने दो, और किसी बात की जल्दी नहीं, आराम से। अब आप देख लो, ये इतनी सी जगह है यहाँ पर, ये बगल में खाई है। आराम से देखो पीछे जा रही है गाड़ी, बिल्कुल सही में कंट्रोल नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये रहा एंट्रेंस हमारी आज की लोकेशन का, गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं। वो भी आ रहे चिकन जी धाम परम पूज्य बाबा श्री मीत करोड़ी महाराज, अंदर चलते हैं। मंदिर में हम लोग जाके आए, और एक्चुअली मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, बाहर कर सकते हो। एक्चुअली मंदिर क्या है कि स्टीव जॉब्स जो हैं, जो एप्पल के CEO थे वो, और फेसबुक का जो CEO मार्क ज़करबर्ग, वो लोग आए थे एक बार, वो विजिट करके गए थे, वो दोनों यहाँ के अनुयायी करते हैं। हाँ, क्या होता है, मार्क ज़करबर्ग तो इतना नहीं, लेकिन स्टीव जॉब्स जब आए थे तो वो यानी यहाँ रुक के गए थे। और जो बाबा जी हैं जो यहाँ के, उनके वो यानी बहुत बड़े भक्त जो बोलते हैं ना, वैसे थे, यानी उनको बहुत मानते थे वो। तो देख लो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आके गई हुई है, उनको यानी इतना पीसफुल लगा था यहाँ के कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में सारी बातें कही थी। और उसी पे ये पूरा मंदिर बनाया, अंदर शिव जी, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, इन सब की मूर्तियाँ हैं, और बाबा जी जो उनकी मूर्ति हैं। आप ले जा नहीं सकते कैमरा, लेकिन अंदर है अच्छा, पीसफुल है, बढ़िया है, वर्थ विजिटिंग है। अगर आप आ रहे हो नैनीताल तो आ सकते हो, 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, आके आप घूम के जा सकते हो एक बार, बढ़िया है, मज़ा आ गया। तो ये तो फर्स्ट हो गई हमारी, अब हम लोग यहाँ एक बार दो फोटो खिंचवाते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग हमारी आज की सेकंड लोकेशन जो है उस पर। हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में हमको एक अच्छी सी लोकेशन दिखी है, अब वो लोकेशन बहुत हम दिखाते हैं आपको। देखो व्यू यहाँ से, ये बहुत प्यारा व्यू। अब यहाँ रुकेंगे, एक दो स्टोरी बनाएंगे, एक दो फोटोज खिंचाएंगे, फिर निकलते हैं आगे, तक मजे करते हैं, फुल इंजॉय करके आगे निकलेंगे। कहीं भी जाओ देखो यही है, रोड से ट्रैवल करने का फायदा यही है कि व्यू दिखे, गाड़ी लगाई साइड में और मजे लो, नेचर का आनंद उठाओ। अब ये हल्की कहीं देखो धूप दिख रही है, कहीं हाँ कहीं धूप है, कहीं सही, ऐसे ही पूरा मौसम हो रखा है। मौसम तो यहाँ यूं बदलता मौसम, पता नहीं चलता, सेकंड में बदल जाता मौसम। 2 मिनट और रुके हम, और 2 मिनट बाद अब देख लो
जो थोड़ा बहुत दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा पूरी पूरी यानी पूरे बादलों में आ चुके हम, नीचे हमारे पूरे बादल है देखो, पूरे बादल हमने कोई फोटो नहीं खींच पाई यहाँ पे क्यों, क्योंकि हम पहले व्लॉग बनाने लगे व्लॉग बनाने लगे उतने में तो ये हो ही गया, फिर हमारी फोटोज भी नहीं आई। अब हम आगे चलते हैं, चलो। तो हमारी लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं श्री गोरुदेव मंदिर, ये मंदिर है, ऊपर स्टेयर जा रही हो, ऊपर जाना है और ऊपर जाके मंदिर है। यहाँ पे हर रेलिंग और हर जगह सिर्फ आपको घंटियाँ ही बंदी हुई दिखेंगी, वो इसलिए उसका रीज़न ये है कि हमारे होटल के जो ओनर है उन्होंने बताया था कि ये जो मंदिर है ये श्री गोलूदेव है उनका मंदिर है और इनको न्याय का देवता माना जाता है यहाँ पे, मतलब जो लोकल ये एक कोर्ट की तरह वर्क करता है यहाँ के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं और वो चिट्ठियाँ टांग देते हैं यहाँ पे, और जो चिट्ठियों में जो चीज़ें लिखते हैं जब वो चीज़ पूरी हो जाती है या फिर कोई चीज़ उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है और फिर उसको वो लिख के उसमें डाल देते हैं और फिर उनके साथ अगर वो जो न्याय हो जाता है वो एक तरीके से अर्जी लगाते हैं। हाँ। अर्जी लगाते हैं और अगर वो सच में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ रहता है तो उनके साथ सही हो जाएगा, तो उनका सही हो जाता है। जब वो सही हो जाता है तो आके घंटियां मांगते हैं अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा से घंटियां मांगते हैं। और उन्होंने बताया हमारे क्या बोलते हैं होटल के ओनर ने कि किसी ने यहाँ पे 50 kg की घंटी चढ़ाई थी अभी कुछ दिन पहले, 50 kg की, वो भी कितनी 30 एक साथ चढ़ाई थी उन्होंने बताया था। अभी जैसे देख सकते हो इतनी बड़ी वाली घंटी है, ऐसी थी, 30 लगभग उन्होंने चढ़ाई थी यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और आज के हमारी जो फाइनल लोकेशन है भीमताल लेक, वहाँ जा रहे हैं। करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, आधे घंटे लगेगी, 6 बज चुकी, 6:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे और 7 बजे तक, 7:30 तक वहाँ देखना व्यू बहुत तगड़ा आएगा। आज की आखिरी लोकेशन जो है वो हमारे सामने है, वो है ये भीमताल लेक। अब मैं आपको एक बार अच्छे से पूरा लेक दिखाता हूँ। तो ये है भीमताल लेक, पूरी बाहर से यहाँ तक पूरी भीमताल लेक है। और जो ये लेक है इसका नाम पड़ा है, जो भीम थे 5 पांडवों में से पांडव थे उनके ऊपर इसका नाम पड़ा है, और यहाँ पे उनका मंदिर भी है। अब मेरे को एक बार पता करना पड़ेगा किस साइड है, तो मंदिर भी जाके हम देख के आते हैं वो चीज़। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे वोटिंग करते हो तो यहाँ से बोट से आप, ये सामने एक्वेरियम है, क्या देखो ये रहा एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम में जाके आप अलग अलग टाइप के फिशेज हैं जो देख सकते हो। और एक्वेरियम मैं एक बार वहाँ गया था बिसलपुर, वहाँ पे ऑलरेडी एक्वेरियम देख चुका हूँ, तो मेरा मन नहीं भी एक्वेरियम देखने का और इसमें बोटिंग करने का भी नहीं, क्योंकि बोटिंग हम कल करेंगे। कल हम जाएंगे नैनी लेक लास्ट में, तब कल हम बोटिंग करेंगे वहाँ पे, तो दो दो बार बोटिंग करने का कोई सेंस तो है नहीं, इसलिए एक बार वहीं करेंगे। तो खाना आ गया हमारा, इतनी देर भूख लगी थी कि हमने खाना चालू कर दिया, हमने देखा भी नहीं कि वीडियो भी तक एंड नहीं कराया, वीडियो बनाया भी नहीं है, मैं सोच रहा था खाना आएगा फिर उसका वीडियो एंड करूँगा। तो देखो अब खाना आ गया, बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना खाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।